क्या क्या बोलो समझ में नहीं आता, निकलता ही नहीं है मुंह से बात। तो वो आ रहे हैं अभी, थोड़ी देर में मेरे से पहुंचने वाले हैं। आपको हम बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं। तो इतना दूर से आ रहा है मेरे से मिलने के लिए, खुशी भाई का खारू पेटा दुलगांव से मेरे से मिलने के लिए। कसम से बोल रहा हूं, मैं कभी सोचा ही नहीं की, लेकिन जो भी अच्छा लगा। ऑल राइट, फेमस कर दो। ये भाई का बाइक है और ये मेरा है, देख लो। जब मैं फर्स्ट अपना बाइक लेके आ रहा था, तो मुझे कुछ भाई लोग मिल गए थे दुलगांव में, खारू पेटे के साइड में। वो भाई लोग मिले और आज सुबह उन्होंने मुझे फोन किया कि भैया आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ मैं, और आप कहाँ हो, कैसे हो, कौन सा रास्ता है, हम पहले कभी आए भी नहीं हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला मेरे को, तो उन्होंने बोला कि मैं बस ठेला मारा पहुँचा, ठेला मारा बस कुछ ही दूर में पहुँचने वाला हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ यार, इतना दूर से मेरा भाई लोग आया है मिलने के लिए हमसे, और अच्छा लगा। मैंने भी उनका नंबर दिया, मैं कॉल किया, बात किया उनसे, तो वो लोकेशन भी भेज दिया उनको। तो वो आ रहे हैं अभी, थोड़ी देर में मेरे से पहुंचने वाले हैं, और हम रुके हैं फिलहाल रास्ते में और देखते हैं वो कितने देर में पहुंचते हैं। क्या क्या बोलूं समझ में नहीं आता निकलता ही नहीं है मुंह से बात। बाकी वो लोग आने तो आने के बाद मैं उनसे मिलाऊंगा। ये देखो गाइस, वो दोनों लगभग पहुंच ही गए हैं मेरे पास। तो जो तो गाइस दो आ रहे थे मेरे से मिलने के लिए, दो भाई, वो पहुंच गए हैं फिलहाल मेरे यहाँ पे, हमारे मिसामारी में। भाई ये तो, ये है जाहिर और ये है बीजू, साथ में है, और दोनों ही मतलब लाइक साल हो गया मेरे से मिला हुआ। लेकिन इंस्टा में हम लोग दोनों कनेक्ट में थे, लेकिन बहुत दिन के बाद फिर फेस्टिवल से मिला नहीं। तो आज ऐसा मौका मिला है दोनों को साथ में मिलने का, और मुझे तो अच्छा लगा बाकी दोनों से मिल के। बाकी इनको कैसा लगा, क्या लगा पता नहीं, इनसे बढ़िया लगा, हम दरंग से आए हैं इधर तो मिलने। अब इनसे पूछते हैं कि इनका कहाँ क्या है, इनका डिटेल्स आप एक बार बता दीजिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा ना। मैं दरंग से हूँ, मैं अभी बीकॉम में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा बड़ा हम भी राइडिंग करते हैं, इंस्टा में हमारा पेज है। अच्छा अच्छा, आपको हम बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं। जी जी, अभी टाइम मिला तो संडे है, बोले कि आपसे मुलाकात कर ले थोड़ा। हाँ नहीं, मेरे को भी अच्छा लगा जब फोन किया ना भाई ने, मेरे को भी अच्छा लगा कि हाँ चलो इतना दूर से आ रहा है मेरे से मिलने के लिए, खुशी भाई का अच्छा लगा कि हाँ यार, मतलब थोड़ा सा फील होता है कि चलो हाँ मेरा भी है, मेरा भी है कोई फॉलोअर्स सब्सक्राइबर ना। तो ब्लॉगिंग करता है, ये करता है, दूसरे को सपोर्ट करता है, मगर हमारे आसाम से भाई कर रहा है। हाँ वही तो, वही अभी आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग भी अच्छा लगेगा ना। हाँ, आसपास का आदमी लोग हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो दुलगांव से, यानी खारू पेटा दुलगांव से मेरे से मिलने के लिए इतना दूर से, मैंने सोचा भी नहीं था, कसम से बोल रहा हूँ, मैं कभी सोचा ही नहीं कि इतना दूर से वो लोग मेरे से मिलने के लिए आएंगे बोल के। लेकिन जो भी अच्छा लगा, तो अभी उनको क्या है उन दोनों का बात, अभी एक बार आप लोग भी बोली तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो इनसे मैं मिला था एक साल पहले, जब मैं बाइक लेके आ रहा था पटना से, तब दुलगांव में रात को मेरे को मिला ये दो लोग। तो उस दिन भी हमने फोटो वोटो खींचा यही, और बाकी मैं सिर्फ इन दोनों से यही बोलूंगा कि सपोर्ट करना, अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करना, ताकि थोड़ा सा आगे असम का सब लौंडा सपोर्ट करे आपको। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि हर कोई सपोर्ट करे ना, बाहर के लोगों को सब लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग का लोकल एरिया, असम के लोकल है ना, तो सभी को सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना है, हम लोग भी आगे बढ़ाएंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे हर किसी को। सब्सक्राइब करो, लाइक, इंस्टा में फॉलो करो, पूरा दोस्त हर जगह मतलब फैला देना है, और आप भी अपना पूरा क्या बोलता है, वर्ल्ड वाइड फेमस कर दो। बिल्कुल, सभी को, मेरा सिर्फ मेरे को ही नहीं, सिर्फ मेरे को ही नहीं, मैं ये बोलता हूँ हर किसी को, जितने भी हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, हमें सपोर्ट को सपोर्ट करना है, ताकि हर कोई आगे बढ़े ना। तो आप लोग भी अपने फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों को भी शेयर करना, उन लोगों को बोलना सब्सक्राइब करो, तब हर कोई आगे बढ़ेंगे ना। वही तो, चलो अच्छा लगा। बाकी चलते हैं घर की तरफ में, और भाई लोगों को भी लेके चलता हूँ अपने घर में, क्योंकि इतना दूर से आए हैं, तो फिर चलो मिल के आते हैं, और क्या। तो चलते हैं फिर ना घर में, सपोर्ट करते रहना, और बोल दो आप लोग भी कि क्या करना आगे, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, दोस्त लोग को शेयर करो, बोलो कि हमारे भाई को दिखा था आगे बढ़ाओ। तो ये है भाई का बाइक, है KTM 390, जो गौरव को बड़ा पसंद लगा ये वाला बाइक। तो ये भाई का बाइक है और ये मेरा है, देख लो, ये मेरा वाला, और दोनों अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा जब हम लोग पहले स्टार्टिंग में जब देखा था ना KTM, मेरा भी मन में था यार, कब KTM लू, कब KTM लू, लेकिन अब नया ना, हमको लगता है कभी लेके। हाँ वही तो, मतलब जैसे जैसे नया आगे आगे बढ़ते रहना, मॉडल नया ना आता रहता, हर किसी का मन में रहता कि हाँ ये लू, अब मन भी चेंज होते रहता है, तो वही है अभी। लेकिन सब बाइक अपना अपना जगह में सही है, बाकी अच्छा है, चलें फिर ना। मुलाकात हुआ था और भी था उस टाइम में भाई लोग, दो चार लोग ना बोले कि भाई से थोड़ा मिल लेते हैं, क्या हाल चाल है, आज तो संडे है, भाई फ्री भी होगा, वही है, इसलिए आ गए हम। चलो चलते हैं फिर ना घर में।